हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इन चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स. एंड इन माय प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट व्हिच वाज भाई, अगर किसी भी डिटरमिनेंट कि हम दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है. और मेरी दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, यानी कि उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है. अब प्रॉपर्टी नंबर 3 मेरी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 3 मेरी ये है कि इफ ऑल द एलिमेंट of any row or column are zero, यानी कि सारे के सारे element क्या है? zero हैं. then the value of determinant, then डिटर्मिनेंट विल बी जीरो. देन डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो होगा. डिटर्मिनेंट जीरो होगा. प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसकी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर सेम, अगर दो कॉलम और दो या दो रो सेम है तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी. देन डिटरमिनेंट विल बी जीरो. अब तीसरी पांचवी प्रॉपर्टी आती है सम ऑफ डिटरमिनेंट्स. डिटरमिनेंट्स का सम, प्रॉपर्टी नंबर 5, सम और डिफरेंस If any two rows or columns of two determinants, दो determinant भी add कितने determinant कर सकते हैं? दो को या तीन को. If any two rows or columns of two different determinants and determinants can be added or subtracted example. अगर determinant की दो value same है तो determinant add भी हो सकते हैं और subtract भी हो सकते हैं. कैसे? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी ई एफ जी और मेरा दूसरा डिटरमिनेंट है, मैं है ना, मेरा दूसरा डिटरमिनेंट है, मैं दूसरा डिटरमिनेंट लेता हूँ अल्फा बीटा गामा ए बी सी ई एफ. अब मैं ये देखता हूं कि मेरी दो रो सेम, तो मैं इन दोनों डिटरमिनेंट को क्या कर सकता हूं? मैं ऐड कर सकता हूं. इन दोनों डिटरमिनेंट को मैं ऐड कर सकता हूं और ऐड करके जो मुझे डिटरमिनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा?
भैया दो रो तो सेम रहेंगी उसकी, ए बी सी ई एफ जी, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा और जेड प्लस गामा, इस तरीके से, गॉट इट? अगर और इस तरीके से हम जो है डिटरमिनेंट को ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक कैसे कर सकते हैं, यहां देखो, मेरे पास डिटरमिनेंट है 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, x² y² z², x³ y³ z³, मेरे पास ये डिटरमिनेंट है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा प्लस है, मैं इसे ब्रेक भी कर सकता हूँ। कैसे ब्रेक कर सकता हूँ मैं इसे, वन के साथ ये दोनों वन वन वन, ये जो रो है वन वन वन, और एक्स वाई जेड भी इस रो को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। इस टाइप से वन वन वन, x² y² z², x³ y³ z³ प्लस एक्स वाई जेड, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी ऑफ सम में बताया था, सम की जो प्रॉपर्टीज में बताया थी कि जो किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो उन्हें ऐड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो मैं इसे इस टाइप से ब्रेक कर रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी का यूज काफी होने वाला है, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, एक प्रॉपर्टी और बची है, एक प्रॉपर्टी और बची है, वो प्रॉपर्टी है मेरी, किसी भी नंबर से हम किसी भी डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। ये प्रॉपर्टी मैंने शुरू में बता दी थी वैसे तो, पर कोई बात नहीं, क्योंकि शुरू में प्रॉपर्टी वो याद रहती है ना जिसके यूज ज्यादा होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी का ही होता है, कि दो रो आपस में हम इंटरचेंज करते हैं और किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें दूसरी रो में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई करनी है किसी भी नंबर से, किसी भी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर। इफ तो मल्टीप्लाई जैसे हम कैसा करते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख कर बता देता हूँ। जैसे मेरी ये डिटरमिनेंट मेरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरा, 1 2 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मेरे यहाँ पे कोई नंबर है, इससे मुझे कैसे मल्टीप्लाई करनी है, मैं मल्टीप्लाई करनी है इसे के से। तो के से मल्टीप्लाई करूंगा तो के से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था, सारे के सारे एलिमेंट जितने भी होते थे ना सब में मल्टीप्लाई होती थी। इसके अंदर या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा। मैं किसे कर लेता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी, 4 5 6 7 8। तो ये कितनी प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, जिनका यूज एक्सरसाइज में होने वाला है, और एक्सरसाइज जो है कल स्टार्ट करेंगे।